तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं अमर, आ गया हूं फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बड़े बड़े वीडियोस को कॉम्प्रेस कर सकते हो और उससे उसकी क्वालिटी भी नहीं जाएगी। वही आपके साथ सेम टू सेम हो सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे किसी के साथ वीडियो कर रहे हैं शेयर, तो शेयर करते समय अगर ज्यादा बड़ी फाइल है तो वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किसी भी वीडियो जो आपकी लार्ज साइज में है, कैसे आप उसे कॉम्प्रेस करेंगे, कैसे आप उसे छोटा करेंगे और आपकी वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम अपने किसी भी वीडियो फाइल का, किसी भी वीडियो का हम साइज घटाएंगे, वीडियो कॉम्प्रेस करेंगे और उससे उसकी वीडियो क्वालिटी नहीं जाएगी। तो ऐसा करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक टूल की, और टूल डाउनलोड करने के लिए हमें ओपन करना है प्ले स्टोर। जो मैं टूल बताने वाला हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसे प्ले स्टोर पे सिंपली ओपन करके हुए आप सर्च बॉक्स में जाके टाइप करेंगे वीडियो कॉम्प्रेसर और इसके बाद आपको कर देना है सर्च। जैसे आप इसको करेंगे सर्च, सर्च करने के बाद नंबर 3 पे आपको ग्रीन आइकन दिखाई दे रहा है। यही वो टूल है जिसकी मैं बात कर रहा था। टूल डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा, आप इसको प्रॉपरली तरीके से आप देखिए कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। तो अब मैं करता क्या हूं, मैं इस पर कर देता हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है 4.5 की स्टार रेटिंग है, तकरीबन 5.4 MB यानी 5.4 MB का ये सॉफ्टवेयर है और 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको रेटिंग्स देखने को मिल रही है, इसकी रेटिंग काफी अच्छी है। तो आपको करना क्या, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इस पे डाउनलोडिंग करना स्टार्ट करेंगे डाउनलोडिंग हो जाएगी आपकी। डाउनलोडिंग हो जाने के बाद आपसे मे बी कुछ परमिशंस मांगेगा, जैसे आपसे बोलेगा स्टोरेज की परमिशन, आपसे बोलेगा कि मीडिया फाइल्स को एक्सेस करेगा, तो वो फिर आपको यहाँ पर देनी रहेंगी। तो हम पहले क्या करते हैं, हम अपनी फाइल को कर लेते हैं डाउनलोड, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोडिंग करने के बाद हम देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे उसे हम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। हम इसे करेंगे ओपन। ओपन करेंगे जैसे ही तो मे बी आपसे परमिशन, जैसे कि मैंने पहले बताया आपसे मांगेगा कि आपकी मीडिया फाइल को ये एक्सेस करना चाहता है, तो आप इसे अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेमोरी कार्ड या मान लीजिए आपका फोन स्टोरेज जहाँ पे फाइलें पड़ी हुई हैं। अब मेन चीज ये आती है कि अगर हमें किसी भी फाइल को करना है कॉम्प्रेस तो तरीका क्या रहेगा, वो आप देख लीजिए ध्यान से। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने काइन मास्टर से अभी कुछ वीडियोज बनाए हुए हैं उनको मैंने किया है यहाँ पे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर एक फाइल आपको दिखाई दे रही है 1.25 GB की एक फाइल है, तक इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 5.43 मिनट्स का ये आपका वीडियो है। हम करेंगे क्या, हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक टैग कर देता हूँ। टैग करने के बाद यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्रेस वीडियो, आपको इसी ऑप्शन का यूज करना है। तो मैं कॉम्प्रेस वीडियो पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं कॉम्प्रेस वीडियो पे क्लिक करूंगा, मैंने कहा था फ्री एप्लीकेशन है, थोड़े बहुत एड्स आएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए आपको क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ से एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से आप हाई क्वालिटी पे ऑलरेडी ये सेट है, हाई क्वालिटी पे ऑलरेडी ये सेट है। यहाँ से आप कस्टम पे चले जाएंगे, ये कस्टम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर बगल में आपको साइड में दिखाई दे रहा है कस्टम, कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको अपने वीडियो का जो रिजोल्यूशन है उसको उतना ही बना के रखना है, ठीक है। रिजोल्यूशन आपका उतना ही रहेगा और इसके क्या होगा, आपका फाइल कॉम्प्रेस हो जाएगा। बस आपको बिट यहाँ से जैसे आप चाहोगे उसे घटाओगे बढ़ाओगे और आपकी फाइल उस हिसाब से यहाँ से हो जाएगी। इसको और घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल का साइज रिड्यूस होता जाएगा। तो आप देखेंगे 1.25 GB का जो वीडियो था उसका साइज रिड्यूस होके यहाँ पे दिखा रहा है, रिजोल्यूशन वही रहेगा पर ये फाइल 256 MB की कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस इसके बाद फिर आपको करना क्या है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्प्रेस वीडियो, आप इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने से क्या होगा, आपका वीडियो कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो कॉम्प्रेस होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो होगा तकरीबन 256 MB की फाइल। वीडियो क्वालिटी आपकी वही रहेगी बट साइज उसका कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो कॉम्प्रेस हो गया है। अब आप इस पे देखेंगे क्लिक करके तो ये पुराने वाले वीडियो से कंपेयर करके आपको दिखाएगा कि पुराने वाले वीडियो में और इस वीडियो में कितना लगभग वीडियो क्वालिटी में इफेक्ट आया है। तो आई एम श्योर चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियोस को कॉम्प्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे जब आप कॉम्प्रेस वीडियो में जाके यहाँ पे देखेंगे तो एक और फोल्डर बन गया होगा कॉम्प्रेस्ड का, वहां पर आपको 256 में वो फाइल आपको दिखाई दे रही है और आपको जो रियल फाइल पड़ी हुई है वो अभी भी वहां पर 1.25 GB में पड़ी हुई है। तो इस टूल का इस्तेमाल करते हुए आप वीडियोज को कॉम्प्रेस कर सकते हो। इसके बाद आप उन्हें जिसके भी साथ चाहें, यूट्यूब पे या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर पाएंगे।
तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आई एम श्योर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही है, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।